नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। में से 7 मजदूरों को सुरक्षित निकाला, एसीएस डॉक्टर राजौरा, शेष 2 के लिए बचाव कार्य जारी। कटनी के इस्लिमनाबाद में रेस्क्यू कार्य निरंतर जारी है। मोतीलाल कोल और नंदलाल यादव सुबह सुरक्षित निकाले गए। कल रात और आज सुबह निकाले चारों मजदूर खतरे से बाहर हैं तथा अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार अब तक कुल 9 मजदूरों में से 7 को सकुशल बचाया जा चुका है। कटनी कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बताया कि शेष बचे 2 मजदूर गोरेलाल कोल और सुपरवाइजर रवि अभी भी फंसे हुए हैं। दोनों के संपर्क कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। भोपाल से आई 30 सदस्यों की एनडीआरएफ की टीम शेष बचे दोनों मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही है। एसडीईआरएफ दमोह और सतना की टीमें भी पहुंच गई हैं। बचाव कार्य निरंतर जारी है। एमपी न्यूज कास्ट के लिए हीरा विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। बड़ा हादसा इस्लामाबाद में हुआ, अब तक क्या अपडेट है? कल लगभग 7:30 बजे शाम को हम लोग को सूचना मिली कि इस्लामाबाद टनल के निर्माण के दौरान जो रिपेयर वर्क के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट बनाया जा रहा था, उसमें जो कॉन्क्रीट का काम था उसके धसकने से 9 लेबर जो है अंदर ट्रैप हो गए। सूचना मिलते ही मैं और एसपी मौके पे पहुँचे और हम लोगों ने जबलपुर में जो एसडीआरएफ की फ़ोर्स है उसको कॉल इन किया। जब तक वो आ रही थी तब तक एनवीडीए के इंजीनियर्स नहीं अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 3 लोगों को हमने रिकवर कर लिया सकुशल। एसडीआरएफ की टीम ने आने के बाद लगातार 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं और उन लोगों ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें हमें पहली सफलता लगभग रात में 2 बजे मिली। 2 से 3 बजे के बीच में हमने 2 मजदूरों को सकुशल निकाला। उसके बाद 2 मजदूर और थे जिनकी आवाज़ें आ रही थी। उनमें लगातार कंक्रीट को बहुत धीमी धीमी गति से काटना पड़ा, क्योंकि अगर बहुत तेज़ काम करते तो वो पूरा कोलैप्स हो सकता था। ऐसे में जो मजदूर थे उनके भी जान को खतरा था और हमारी रेस्क्यू टीम की भी जान को खतरा था। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस ऑपरेशन को रात भर चलाया गया और अभी हमें सफलता फिर मिली। 2 और मजदूर हैं जिनको निकाला गया। जितने भी मजदूर निकाले गए हैं सब स्वस्थ हैं और उनके बॉडी पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। हमने यहाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस रख रखी थी और तत्काल सभी लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जाना, उनकी चेकिंग कराना, उनसे बाकी मजदूरों के बारे में पूछना, इस बात का जानकारी लेना कि अंदर और रेस्क्यू आगे कैसे बढ़ाया जाए। और हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनवीडीए के इंजीनियर्स की टीम, जिला प्रशासन, जिला पुलिस की टीम बहुत मेहनत से यहाँ पिछले 12 घंटों से भी ऊपर से काम कर रही है और 9 में से 7 लोगों को रिकवर कर लेना इस तरीके के एक्सीडेंट में, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। बट हम तब तक ऑपरेशन चलाएंगे जब तक 9 के 9 लोग जो है हमें उनकी पूरी सूचना नहीं मिल जाती। अब कोई कॉल नहीं आ रही है अंदर से, कोई वॉइस नहीं आ रही है, तो अब हम लोगों को हमने अपना जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी आ चुकी है तो अब दूसरी टीम रिप्लेस कर रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जॉइंट टीम रिप्लेस कर रही है। और अब फेज़ 2 में हमारा ये रेस्क्यू मिशन चलेगा जिसमें हम बॉडीज़ तक पहुंचना चाहेंगे। अब हम डॉक्टर्स को भी नीचे ले करके जा रहे हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर कोई अनकॉन्शियस है और उसकी लाइफ हम बचा सकते हैं तो वहीं पर उसको जो है लाइफ सपोर्ट का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हम दे सकें। तो एक फेज़ मैनर में किया गया, इससे जल्दी टेक्निकल पॉइंट से इसको किया जाना संभव नहीं था। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि ये वैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ क्रेन और बाकी सारे इक्विपमेंट्स थे ही, एम्बुलेंस भी आ गई थी। स्पीड जिस स्पीड में किया गया वो हमारी नेसेसिटी थी। तो सर, हादसे की वजह क्या सामने आई ये अब एनवीडीए